साइंस और हिस्ट्री दो ऐसे शब्द हैं जिसने पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। जहाँ एक एरिया हमें ये बताता है कि हमें एडवांसमेंट्स कैसे करने चाहिए, वहाँ दूसरा एरिया हमें एडवांसमेंट्स की स्टोरी सुनाता है। एज ह्यूमंस हमने बहुत सारे एडवांसमेंट्स किए हैं या तो उनकी स्टोरी सुनी है, लेकिन इन एडवांसमेंट्स के पीछे कई सारे ऐसे दिल दहला देने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ह्यूमंस पे किए जाते हैं, एंड आई एम श्योर आपने उनके बारे में हार्डली कभी सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिन्हें जानने के बाद आप उतने ही शॉक्ड हो जाओगे जितना कि मैं इस वक्त हूँ। यूनिट 731। हमारी हिस्ट्री बुक्स में हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज का इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करना जिनका उन्हें कोई रिग्रेट नहीं था। लेकिन अगर आप ये बिलीव करें दैट नाजीज वर द ओनली वंस टू कैरी आउट सच डीड्स, ये तो आउटराइट फुलिशनेस होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। ईयर 1938 में जापानीज आर्मी ने यूनिट 731 नाम का एक यूनिट सेट किया था जिनका मिशन था बायोलॉजिकल वेपन्स बनाना और वॉर टाइम प्रिजनर्स और विलेजर्स पे इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करना। लेफ्टिनेंट शिरो इशी वाज इन चार्ज ऑफ यूनिट 731। इस यूनिट को जापानीज यूनिवर्सिटीज और मेडिकल स्कूल से ये बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने का सपोर्ट मिल रहा था और वो उनको डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ प्रोवाइड करते थे। इस यूनिट ने साइंस के नाम पे इतने डेडली एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जिनमें से आधे तो आज की डेट में अनफोल्ड भी नहीं हो पाए। चीजें इतनी हाथों से निकल गई दैट फाइनली 1984 में जापान ने ये एक्नॉलेज किया कि उन्होंने यूनिट 731 के अंडर क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स किए थे ओनली इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर अ जर्म वॉरफेयर। अब आप पूछोगे ये एक्सपेरिमेंट्स थे क्या, सो हियर इज अ लिस्ट। फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग। इस एक्सपेरिमेंट में प्रिजनर का हाथ तब तक पानी में रखा जाता था जब तक कि वो कम्प्लीटली फ्रीज ना हो जाए, और फिर उनके हाथ फ्रीज होने के बाद उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। या तो उन्हें उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता था या लिटरली आग के ऊपर रख दिया जाता था। एज इफ इतनी अट्रोसिटी काफी नहीं थी, कभी कभी उनके हाथों को ऐसे ही फ्रोजन छोड़ दिया जाता था ये टेस्ट करने के लिए इफ ह्यूमन ब्लड इज केपेबल इनफ टू रीवॉर्म द फ्रोजन हैंड्स। विविसेक्शन। अगर आप विविसेक्शन का मीनिंग सर्च करोगे तो इट इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ डूइंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन लाइव एनिमल्स। आपने बिल्कुल ठीक सुना, यूनिट 731 इस एक्सपेरिमेंट के अंडर चलते फिरते आदमी के ऊपर अटोप्सी परफॉर्म करते थे ये देखने के लिए कि लिविंग टिश्यू पे वेरियस डिजीजेस का क्या इफेक्ट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस यूनिट ने इतनी हद पार कर दी थी कि लिटरली जिंदा इंसानों के हाथ पैरों को क्रश कर दिया जाता था। डिजीज टेस्ट। यूनिट 731 के डॉक्टर्स मेल प्रिजनर्स की बॉडी में सिफिलिस इंजेक्ट कर देते थे। सिफिलिस बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक तरह का STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये सब क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट करने के पीछे द मेन रीजन वॉज टू स्टडी हाउ सिफिलिस कैन अफेक्ट ह्यूमन बॉडी ओवर टाइम। द मोमेंट आप ये सोचेंगे कि यूनिट 731 इससे ज्यादा और कितना गिरेगा, इट सरप्राइजेस यू विद अनदर एपिसोड ऑफ इनह्यूमैनिटी। इस एक्सपेरिमेंट के अंडर यूनिट 731 के गार्ड्स फीमेल प्रिजनर्स को तब तक रेप करते थे जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती थी, और उनके प्रेग्नेंट होने के बाद वो उन पर गन टेस्ट परफॉर्म करते थे जस्ट टू ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टू गन शॉट्स। कुछ केसेस में प्रेग्नेंट वुमेन में डिजीजेस इंजेक्ट की जाती थी जस्ट टू ऑब्जर्व कि उनके फीटस पर इन डिजीजेस का क्या इफेक्ट होता है, विच इज अगेन वेरी इनह्यूमेन। ऐसा कहा जाता है कि 1945 में इस यूनिट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, एंड जो प्रिजनर्स अनफॉर्चुनेटली ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी सर्वाइव कर गए थे दे वर शॉट डेड। और जो यूनिट के डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ और रिसर्चर्स थे उन्हें फोर्सफुली ओथ ऑफ सीक्रेसी लेने को कहा गया। आई डोंट नो व्हाई सच यूनिट वाज क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस बट आई एम ग्लैड इट वाज डिस्ट्रॉयड। द तस्कीगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट ऑन ब्लैक मेन। तस्कीगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था 1932 में बाय द तस्कीगी इंस्टीट्यूट। इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव था टू स्टडी द स्प्रेड ऑफ सिफिलिस एंड हाउ इट अफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी एंड हाउ इट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। इन बिटवीन 1932 टू 1972 600 ब्लैक मेन हैड एनरोल्ड और उनके एज ग्रुप थे 25 टू 60 इयर्स। आउट ऑफ 600 ब्लैक मेन 399 ऑलरेडी हैड सिफिलिस और 2001 जिनको सिफिलिस नहीं था उनको कंट्रोल रूम में रखा गया। इस एक्सपेरिमेंट को US पब्लिक हेल्थ सर्विस के डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे थे अंडर द नेम तस्कीगी स्टडी ऑफ अनट्रीटेड सिफिलिस इन द नीग्रो मेल। 1947 में सिफिलिस का क्योर मिल चुका था, लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि अगर क्योर मिल गया था तो उन पेशेंट्स को क्योर देके छोड़ क्यों नहीं दिया गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस स्टडी में इन्वॉल्व डॉक्टर्स ने 600 लोगों को जानबूझकर प्लेसिबोस दिए। सिफिलिस का क्योर पेनिसिलिन था, लेकिन फिर भी उन्हें नॉर्मल एस्पिरिंस और मिनरल सप्लीमेंट्स दिए गए। अब क्योंकि ये बहुत ही अनएथिकल तरीका था, इसके रिपरकशंस तो होने ही थे, और यही हुआ। इस स्टडी में इन्वॉल्व 600 ब्लैक मेन में से 28 पार्टिसिपेंट्स डाइड फ्रॉम सिफिलिस, 100 डाइड फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस एंड 40 स्पाउसेस वर डायग्नोस्ड विद द डिजीज, पासिंग सिफिलिस टू 19 चिल्ड्रन एट बर्थ। ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। 1997 में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक अपॉलॉजी इशू की
और उसमें उन्होंने ये लिखा, द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट डिड समथिंग दैट वॉज रॉन्ग, डीपली, प्रोफाउंडली, मॉरली रॉन्ग. इट इज नॉट ओनली इन रिमेम्बरिंग दैट शेमफुल पास्ट दैट वी कैन मेक अमेंड्स एंड रिपेयर आवर नेशन, बट इट इज इन रिमेम्बरिंग दैट पास्ट दैट वी कैन बिल्ड अ बेटर प्रेजेंट एंड अ बेटर फ्यूचर. ये तो वही बात हो गई ना कि किसी का मर्डर कर दो और फिर बोलो गलती हो गई, कि मुझे नहीं पता था कि ये इंसान मर जाएगा. द ट्विन एक्सपेरिमेंट बाय नाज़ीज बाय एंजल ऑफ डेथ. 1943 टू 1945 वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप कैसा होता होगा आप सोचिए. आसपास केओस ही केओस, एक अजीब सी दुर्गंध, चारों तरफ डर का माहौल और कंफ्यूजन से पैनिक करते हुए लोगों की भीड़. इस कंडीशन में एक 38 साल की महिला को सोल्जर्स ने ये पूछा कि उसके साथ जो दो बच्चियां खड़ी हैं कि क्या वो बच्चियां ट्विंस हैं, तो उसने क्या जवाब दिया होगा, हाँ या ना. उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसका ये जवाब उन दोनों बच्चियों को नरक के किस कोने में ले जाएगा. ऐसे ही जब जूस से भर भर कर ऑशविट्स के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैटल कार्स आया करती थी, तब लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था. एक ग्रुप बनाया जाता था लेबर वर्क के लिए, दूसरा ग्रुप बूढ़ों और बच्चों के लिए जिनको गैस चेम्बर्स में रखा जाता था, और तीसरा ग्रुप बनाया जाता था ट्विंस के लिए. ऑशविट्स से 1.5 साल से 13 साल के 3,000 ट्विंस को बाकी प्रिजनर्स से अलग रखा जाता था और जोसेफ मेंगलर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे. जोसेफ एक शांत स्वभाव और ब्राइट पर्सनालिटी का एक नाज़ी डॉक्टर था जो ट्विंस से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था, लेकिन उसके हैवानियत भरे मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसे एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था. ट्विंस को एक VIP ट्रीटमेंट दिया जाता था जहां बाकी प्रिजनर्स को अपने बाल शेव करने पड़ते थे, वहां पर ट्विंस को शॉर्ट हेयर रखने की परमिशन थी. जहां बाकी प्रिजनर्स के कपड़े जलाकर उनको प्रिजनर्स का अटायर दिया जाता था, वहां पर ट्विंस को अपने कपड़े रखने की इजाजत थी. बस डिफरेंस ये था कि उनके पीछे एक रेड क्रॉस बना दिया जाता था. ये भी कहा जाता है कि जोसेफ भर भर के बच्चों के लिए कैंडीज लाया करता था जिससे बच्चे उसे अंकल पेप्सी के नाम से बुलाते थे. लेकिन जोसेफ की ये हैंडसम पर्सनालिटी और काम एटीट्यूड सिर्फ एक मास्क था जिसके पीछे एक नाज़ी मॉन्स्टर छुपा हुआ था. उसको सिर्फ आर्यन रेस को प्यूरिफाई करने के लिए सीक्रेट्स जानने थे जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था. अगर आप ये सुनोगे तो आप भी डर और विक्टिम्स के दर्द से नम हो जाओगे. पहले तो इन ट्विंस का हर एक बॉडी पार्ट मेजर किया जाता था और फिर एक दूसरे से कंपेयर करके अच्छी तरह एग्जामिन किया जाता था और उनके बॉडी फीचर्स को हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल के नीचे क्लासिफाई किया जाता था. ट्विंस का ब्लड एक्सट्रैक्ट करके उन्हीं के बीच उसे ट्रांसफ्यूज किया जाता था. नाज़ी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग एक ब्लॉन्ड हेड और ब्लू आईड ही एक प्योर आर्यन रेस था और वो ये रिजल्ट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे थे. बच्चों की आंखों में ब्लू डाई इंजेक्ट किया जाता था और वो भी बिना एनेस्थीसिया के, जिससे वो कम्प्लीटली या पार्शली ब्लाइंड भी हो जाते थे और उन्हें इनटॉलरेबल पेन होता था. जॉना लैक्स जो इन एक्सपेरिमेंट्स की सर्वाइवर थी, जोसेफ ने उन्हें एक बार एक लैब के केज में रखा था. विटनेसिंग विच शी सेज, आई वाज लुकिंग एट अ होल वॉल ऑफ ह्यूमन आईज, अ वॉल ऑफ ब्लू आईज, ब्राउन आईज, ग्रीन आईज. दीज आईज दे वर स्टेयरिंग एट मी लाइक अ कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज एंड आई फेल डाउन ऑन द फ्लोर. इतना ही नहीं, ट्विंस को डिजीजेस के जर्म से इंजेक्ट किया जाता था और वो इंजेक्शंस डायरेक्टली उनकी स्पाइन में दिए जाते थे. एक को टाइफस का इंजेक्शन दिया जाता था और दूसरे को ट्यूबरकुलोसिस का. और जब कोई ट्विन डिजीज के प्रोपोगेट होने की वजह से मर जाता था तो दूसरे ट्विन को भी मार दिया जाता था और उसकी बॉडी को डाइसेक्ट किया जाता था टू कम्पेयर देयर इनसाइड्स. जोसेफ ने टीनेज ट्विंस के साथ और भी बहुत सारे ऐसे हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे उनके जेनिटल्स को एम्प्यूटेट करना, क्रॉस ट्रांसफ्यूजन किया जाता था एमिंग टू टर्न बॉयज इनटू गर्ल्स एंड गर्ल्स इनटू बॉयज. वन ऑफ द मोस्ट क्रीपी फेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज अटेम्प्टिंग टू क्रिएट सायमीज ट्विंस आउट ऑफ रेगुलर ट्विंस. सायमीज ट्विंस वो ट्विंस होते हैं जिनकी एब्डोमेन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है. एक दिन बैरक से उठाकर जिप्सी ट्विंस को जोसेफ ले आए और उनकी पीठ चीरकर उनके ब्लड वेसल्स और ऑर्गन को कनेक्ट करने की कोशिश की और उनको एक दूसरे के साथ स्टिच कर दिया. 3 दिन चीखने चिल्लाने के बाद उन दोनों ट्विंस की गैंग्रीन से मौत हो गई और जो 3,000 ट्विंस थे उनमें से सिर्फ 200 ही सर्वाइव कर पाए. और लिबरेशन के बाद भी किसी ना किसी ट्विन की कोई ना कोई डिजीज या फिजिकल एबनॉर्मैलिटी से डेथ हो गई. सच वॉज द हॉरर ऑफ द नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एंड देयर इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स ऑन जूस एंड पीपल हु वर नॉट आर्यंस. द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट. इमेजिन करो कि दो कंट्रीज के बीच डेडली वॉर चल रही है, कंट्री ए एंड कंट्री बी. कंट्री ए के सोल्जर्स बिना सोए लड़ रहे हैं एंड दे आर नॉट इवन फीलिंग टायर्ड, और कंट्री बी के सोल्जर्स थक रहे हैं एंड दे कांट कंट्रोल देयर स्लीप. हु वुड एंड अप विनिंग, कंट्री ए राइट? ऐसा ही एडवांटेज वर्ल्ड वॉर टू में पाने के लिए रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा बाय ब्रिंगिंग इन 5 वॉर प्रिजनर्स एज देयर सब्जेक्ट्स एंड प्रॉमिसिंग देम फ्रीडम वंस द एक्सपेरिमेंट इज ओवर. उन्होंने एक ऐसा स्टिमुलेंट क्रिएट किया जिससे 30 दिन तक इंसान बिना सोए फ्रेश रह सकता है और इसके टेस्ट करते करते ये एक्सपेरिमेंट इतना हॉरिफाइंग हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते.
एक्सपेरिमेंट के लिए एक सील्ड चेम्बर बनाया गया विदाउट एनी बेड। सब्जेक्ट्स को स्टिमुलेंट से एक्सपोज करने के लिए उसे गैस फॉर्म में लीक किया जाता था चेम्बर के अंदर। उनको 5x5 इंच के ग्लास से मॉनिटर किया जा रहा था और उनकी आवाजें भी एक माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की जा रही थी। पहले के 5 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल थे, सब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे और उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। 6th डे से सारी चीजें बहुत ही वियर्ड होना शुरू हो गई। उनका कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे ट्रॉमेटिक होता जा रहा था, जहां वो अपने वॉर के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। नेक्स्ट डे से सबने एक दूसरे से बातें करना छोड़ दिया और वो माइक्रोफोन्स के अंदर अजीब तरह की बातें करने लगे। 9th डे से एक सब्जेक्ट इतनी जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि उसके वोकल कॉर्ड्स टूट गए और उसकी आवाज भी चली गई। जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट प्रोपोगेट हो रहा था, वैसे वैसे ये और भी क्रीपी और डेडली होता जा रहा था। कुछ दिनों बाद साइंटिस्ट को कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। माइक्रोफोन्स इंस्टॉल थे लेकिन अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। साइंटिस्ट ने आउट ऑफ कंसर्न ये अनाउंसमेंट किया कि वो चेंबर के अंदर जा रहे हैं और अगर किसी ने भी कोई मूवमेंट किया तो उनको फ्री कर दिया जाएगा। तब एक सब्जेक्ट ने माइक्रोफोन के थ्रू रिप्लाई किया, वी नो लॉन्गर वॉन्ट फ्रीडम। ऑन द 15th डे द गैस इन द चेंबर वॉज रिप्लेस्ड विद क्लीन एयर एंड द सब्जेक्ट स्क्रीम देयर वोकल कॉर्ड्स आउट। उन सब्जेक्ट्स को वही गैस वापस चाहिए थी क्योंकि वो स्टिमुलेंट से एडिक्ट हो चुके थे। रिसर्चर्स ने चेंबर के अंदर जाने का फैसला लिया लेकिन अंदर का जो सिनेरियो था वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। सब्जेक्ट्स ने खुद को ही म्यूटिलेट कर लिया था, उनके फ्लैश और मसल्स फट चुके थे, एक्सपोजिंग देयर इंटरनल ऑर्गन्स। फ्लोर पूरा खून और मांस के टुकड़ों से भरा हुआ था और कुछ ही दूर एक सब्जेक्ट बिना हिले पड़ा था। ही वॉज डेड। द सब्जेक्ट्स हैड टर्न्ड इनटू कैनिबल्स ईटिंग देयर ओन फ्लैश। ट्रीटमेंट के टाइम पता चला कि सब्जेक्ट्स पर एनेस्थीसिया का कोई असर ही नहीं हो रहा था और वो डॉक्टर्स को बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करने के लिए कह रहे थे। ये सब के दौरान एक सब्जेक्ट की जान चली गई और उसमें से बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स को 3 रिसर्चर्स के साथ चेंबर में भेजा गया। ये सुनने के बाद एक रिसर्चर ने एक कमांडर को उसी की बंदूक से गोली मार दी। जब रिसर्चर्स ने जाकर उन सब्जेक्ट से कहा कि तुम इंसान नहीं हो, तुम कौन हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, गेस हाउ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स रिस्पोंडेड। उसने रिसर्चर के पास देखा, एक स्माइल दी और कहा कि वो उस रिसर्चर जैसे लोगों के अंदर पलने वाला एक शैतान है। एंड एज द सब्जेक्ट लाइड ऑन द ग्राउंड ही अटर्ड हिज लास्ट वर्ड्स, सो नियरली फ्री। तो ये थे दुनिया भर की हिस्ट्री में छपे 4 ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स जिनको सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई एम श्योर आपको भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा होगा। आज के इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।